सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। और अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपलोड करते हैं ना, तो आपके वीडियो जरूर वायरल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने सिखाऊंगा। तो इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करता हूँ, वो सारा मटेरियल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता रहता है। अगर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कुछ भी डाउनलोड करने में दिक्कत होता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इन सारे मटेरियल को इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपके पास 58 फोटो होना जरूरी है, क्योंकि 58 फोटो का ही आपको जरूरत होगा इस स्टेटस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना फोटो को इनपुट कर लेना है, आपको 58 फोटो को इनपुट करना है। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, एडिटिंग में जाना होगा, आपको इसे कर लेना है फिल स्क्रीन, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको करना है क्या, आपको मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपना 58 फोटो को इनपुट कर लेना है। तो कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने 58 फोटो को इनपुट कर लिया। इसके बाद आपको करना क्या होगा, अगर आपका कोई इमेज स्क्रीन पर सही तरीके से एडजस्ट नहीं होता तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा एंड आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है जूम वाले, और आपको जूम कर लेना है इस तरीके से, जूम करके आपको एडजस्ट कर लेना है, फिर आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना सभी इमेज को स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से, तो आप कर लीजिएगा। फिर आपको इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो इतना आपको कर लेना है। इसके बाद आपको करना है क्या, आपको स्टार्टिंग में आना होगा, आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको अपना ऑडियो को इनपुट कर लेना है। तो आपको इस सॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अपने सॉन्ग को इनपुट कर लेते हैं। सो गाइस, ये हमारा सॉन्ग आ चुका है। प्लस का आइकन पर क्लिक करना, आपका सॉन्ग ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है क्या, आपका सॉन्ग इस जगह से आपका स्टार्ट होता है। तो आपको करना है क्या, आपको अपने सॉन्ग के ऊपर क्लिक करना होगा, कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आपको कर देना है ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट। तो आपको जो पीछे आगे का जो फालतू पार्ट है वो कट के हट जाएगा। फिर आपको खिसका लेना अपने सॉन्ग को इस तरीके से। और इसके बाद आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको जूम कर लेना अपने वीडियो को, इस तरह को जूम कर लेना होगा, जूम कर लेना है। इसके बाद आपको करना है, आपको फर्स्ट इमेज को क्लिक करना होगा और आपको इसे इतना खिसका लेना कुछ इतना पर, आपका जिस जगह पर बीट आपका आ जाता है, आपका सॉन्ग पर इस जगह पर बीट आता है, आपको खिसका लेना इतना। इसके बाद आपको करना है क्या, आपके सॉन्ग पर जिस जगह पर बीट आता है आपको उस जगह पर क्लिक करना होगा अपने इमेज के ऊपर, आपको कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना, आपको इसे कर देना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट। फिर हमारा इस जगह पर सॉन्ग पर बीट आता है, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, कैंची पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना है। तो गाइस, आपको इसी तरीके से आपको अपने इमेज को कट कर लेना है आपके इमेज पर जिस जगह पर आपका बीट आता है। तो सबसे पहले आप कट कर लीजिए, हम कट कर लेते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जितना इमेज था हमने अपने इमेज को म्यूजिक के हिसाब से कट कर लिया, हमारे सॉन्ग पर जिस जगह पर बीट था हमने अपने सभी इमेज को कट कर लिया है। और इसके बाद आपको करना है क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में आना होगा एंड आपको करना है क्या, आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको टेक्स्ट पीएनजी को इनपुट करना होगा। सो ये आ चुका भी आप देख पा रहे होंगे। आपको करना है क्या होगा, आपको इसे जूम करना कुछ इस तरीके से और आपको इस जगह पर इसे एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। और गाइस, हम इसे छोटा कर लेते, कुछ इतना नीचे कर लेते हैं, और आपको इतना कर लेना है। और आपको करना है क्या गाइस, आपको अपने इस इमेज के हिसाब से आपको रख लेना है, आपका जो फर्स्ट इमेज होगा उसके हिसाब से आपको इसे बढ़ा लेना है इसके लेंथ को। इसके बाद आपको करना है क्या, आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना, इफेक्ट में क्लिक करना होगा, एक आपको इफेक्ट डाउनलोड करना जो कि है ये इफेक्ट ग्लेची वाला। अगर आप डाउनलोड नहीं किया तो आपको करना है क्या होगा, आपको गेट मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये इफेक्ट। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो ये जो आपको सेकंड वाला मिल जाता है आपको इस पर क्लिक करना होगा, ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो ये है, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। और आप जब भी डाउनलोड कीजिएगा आपका नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको टिक पर क्लिक कर लेना है, आपका ये जो इफेक्ट है ये ऐड हो जाएगा।
इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको अपने इफेक्ट को आपको फुल स्क्रीन में से जूम कर लेना कुछ इस तरीके से। और गाइस इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना, आपको इसे माइनस कर लेना, आपको इसे रख लेना 2 में, तो मैं इसे 1 में रख लेता हूँ और गाइस इसे मैं रख लेता हूँ, आपको इसे 11 में रख लेना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है और गाइस आपको करना है कि आपको इसके भी लेंथ को आपको इतना तक आपको बढ़ा लेना अपना फर्स्ट इमेज के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपका जिस जगह पर आपका इमेज का लेंथ बड़ा है आपको उस जगह पर आना होगा। तो जैसा कि हमारा इस जगह पर हमारा इमेज का लेंथ बड़ा है, तो इसके लिए आपको करना है क्या होगा, आपको इस इमेज पर आपको क्लिप ग्राफिक्स इनपुट करना होगा। तो आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा, आपको साइड में एक ऑप्शन मिलता है क्लिप ग्राफिक्स का, उस ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। एक आपको ग्राफिक्स डाउनलोड करना जो कि इस नेम से, अगर आप डाउनलोड नहीं करते तो आपको करना है क्या होगा, आपको गेट मोर का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और गाइस आपको क्या करना, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना मॉडर्न सिंपल, तो आपको इस जगह पर मिल जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो कहाँ गया, तो हम उसे ढूंढ लेते गाइस। तो आपको ढूंढ लेना है, तो ये गाइस ये नेम से, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो हमारा नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है गाइस, तो ये आ चुका है, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको करना है कि आपको इस तरीके से इनपुट कर लेना है। आप इसमें तो कोई सा भी इनपुट कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगता है। तो आपको फिर इस पर क्लिक करना होगा, क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन में क्लिक करना है, उसी ग्राफिक्स में एंटर करना है, आपको कोई भी एक इनपुट कर लेना है। तो गाइस सबसे पहले बताए तो आपको यहाँ से आपको गाइस आपको 6 इमेज पर इस क्लिप ग्राफिक्स को इनपुट करना होगा। तो 2 इमेज पर लग चुका, फिर आपको तीसरे इमेज पर क्लिक करना होगा, क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको उसी ग्राफिक्स को एंटर कर लेना कुछ इस तरीके से। तो आपको ऐड कर लेना कुछ इसी तरीके से, आप ऐड कर लीजिए, हम ऐड कर लेते हैं। तो देख लीजिए गाइस हमने 6 इमेज पर क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर लिया है, तो आपको भी कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना है क्या होगा, आपको फिर से कुछ खिसका का आपको इस जगह पर आ जाना है। तो आपको इस जगह पर आपका इमेज का लेंथ बढ़ा है, तो आपको इस इमेज पर क्लिक करना होगा और आपको क्लिप ग्राफिक्स को ऑप्शन में क्लिक करना है, उसी ग्राफिक्स में एंटर करना है और आपको इसे इनपुट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो आप इनपुट कर लीजिएगा, हम इनपुट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको आगे खिसका लेना है, फिर आपको ये इमेज आपका लेंथ बढ़ा होगा, फिर आपको क्लिप ग्राफिक्स को ऑप्शन में क्लिक करना है, उसी ग्राफिक्स में एंटर करना है, आपको इसे क्लिक कर लेना है और आपको ऐड कर लेना है। तो आपको इसी तरीके से इनपुट कर लेना होगा, फिर आपको इस इमेज पर क्लिक करना होगा, क्लिप ग्राफिक्स ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको इनपुट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो हम इनपुट कर लेते हैं, तो आपको भी कर लेना होगा। सो आपको इसी तरीके से आपको इनपुट कर लेना है, तो आपका जो स्टेटस है वो बन के तैयार हो जाएगा। सो आपको इस तरीके से आपको कर लेना होगा। तो देख लीजिए हमारा स्टेटस पर लग चुका है क्लिप ग्राफिक्स। इसके बाद आपको करना है क्या, आपको अपना सॉन्ग को कट कर लेना है। तो आपको अपने सॉन्ग के ऊपर क्लिक करना होगा, कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना है। तो देख लीजिए हमारा क्लिप ग्राफिक्स लग चुका है। और इसके बाद आपको करना है क्या होगा, आपको फिर से स्टार्टिंग में आना है, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको वीडियो इफेक्ट इनपुट करना होगा। सो आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है। आपको करना है क्या होगा, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा और आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में, आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको इसे कर लेना है स्क्रीन कुछ इस तरीके से। तो हमारा वीडियो इफेक्ट लग चुका है। और गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंड पार्ट में आपको आना होगा, तो आपको यहाँ पर बच जाता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा, आपका जो वीडियो इफेक्ट होगा कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और गाइस आपको इसे कर लेना है स्प्लिट एट प्लेट कुछ इस तरीके से। फिर आपको दूसरे पार्ट पर क्लिक करना होगा, थ्री डॉट को ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसका आपका डुप्लीकेट निकाल लेना है और आपको खिसका लेना कुछ इस तरीके से। तो आप खिसका लीजिएगा और हमारा वीडियो इफेक्ट लग चुका है। इसे मैं कट कर लेता हूं, इसके पीछे का जो फालतू पार्ट है आपको कट कर लेना है। तो हमारा स्टेटस बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको करना है क्या है, तो सबसे पहले मैं इसका जूम को छोटा कर लेता हूँ, तो आपको भी छोटा कर लेना है, आप चाहे तो कर सकते हैं। फिर आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना फ्रेम पीएनजी को इनपुट कर लेना है। तो हम उसे इनपुट कर लेते हैं, तो ये हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है। आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना है और इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड रख लेना है। तो हमारा स्टेटस बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका कोई लोगो होगा तो अपना लोगो को इनपुट कर लीजिएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना लोगो को इनपुट कर लेना है। तो मैं अपने लोगो को इनपुट कर लेता हूँ, तो ये आ चुका है और मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ और इसका जूम कॉल का छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इस जगह पर इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आपको भी कर लेना होगा इस तरीके से और इसके भी लेंथ को मैं वीडियो के एंड तक लेता हूँ कुछ इस तरीके से। सो फाइनली हमारा स्टेटस बन के तैयार हो चुका है। तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। Oh,
गाइस आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है, तो आप भी इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको स्टेटस बनाने में कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।